हाय ब्रन, वेलकम टू लर्निंग टू इधर। जे पढ़ा क्लास सेवेन साइंस रो चैप्टर सिक्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस रे केमिकल चेंजेस रो एक्टिविटी 6.8 पढ़िया। ओके आज 6.8 टेक अबाउट ए टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। गोटे टेस्ट ट्यूब्रे गोटे टी स्पून फुल विनेगर नब, आड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, से गोटे पिंच बेकिंग सोडा पक बेकिंग जो सोडा व्यवहार करती केक्स बनने जो सब सोडा व्यवहार करती से सोडा यूज करो। हियर ए हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट। तुम्हें जितेबाद से बेकिंग सोडा को पकाच भिनेगारे तुम गोटे हिसींग साउंड शुण। ओके हिसींग साउंड शब्द शुण और देख कि बबल्स आसवर से गैस रो बबल्स आसवर देख। पास दिस गैस थ्रू ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइमाटा आज सोन इन फिगर 6.8। फिगर 6.8 जमी देखाई से गैस को तुम्हें पास कर फ्रेशली प्रिपेयर होता लाइम वाटर में लेंबू पा कौन पास कर से गैस को। ये देखुंत भिनेगार अच्छे से किसी बेकिंग सोडा पकाच तो से जो गैसटा रिलीज होटा को आ गए टेस्ट ट्यूब्रे जोधे कि लाइम वाटर अच्छे लेंबू पा अच्छी से गैस को पास कराई। ओके ये गोटे कर्क साहय गोटे पाइप दे कि गैस सब आउटसाइड को बाहर को नजर तो से पास कराई आ गए टेस्ट ट्यूब्रे लाइम वाटर। ओके व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर। लाइम वाटर में कौन होते आम से गैस को पास करूँ लाइम वाटर में तेज लाइम वाटर में कौन होता क्वेश्चन करुच्चे। ओके जो गैसटा पास कर लाइम वाटर में तार कौन चेंजेस आसा क्वेश्चन करुच्चे। तो चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। से टेस्ट ट्यूब्रे कौन परिवर्तन देखा से विषय कहे विनेगार एसिटिक एसिड जोटा कौन मिसुच्छे जो बेकिंग सोडा सहित सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सैटा कौन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस से जो गैसटा रिलीज हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो अंगारकाम रिलीज होता सहित किसी अन्य पदार्थ तैयारी तो रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। कार्बन डाइऑक्साइड आउ लाइम वाटर भितर जो रिएक्शन होता सेमती जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज है विनेगार जो बेकिंग सोडा पकाच जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो और से गैसटा को जो आम पास कर लाइम वाटर में। ओके से कौन लाइम वाटर में चेंजेस आसा कह कार्बन डाइऑक्साइड गैस सीओ टू लाइम वाटर सीएओएच रो होल टू जो मिसुची तैयारी कैल्शियम कार्बोनेट सीएसीओ थ्री प्लस वाटर एच टू। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि लाइम वाटर में मिसुची तो ये कौन तैयारी होती कैल्शियम कार्बोनेट या फॉर्मूला रही कि सीएसीओ थ्री प्लस वाटर रिलीज होती एच टू। ओके से यहाँ चेंजेस आसे लाइम वाटर में जो लेंबू पा था से आम कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता फर्स्ट टेस्ट ट्यूब्रे से जो सेकंड टेस्ट ट्यूब्रे पास कर लाइम वाटर में तो देखुं कि कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होती प्लस वाटर रिलीज होती। नेक्स्ट कहे कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच मेक्स लाइम वाटर मिल्के। कहते कि जितेबाला कार्बन डाइऑक्साइड को आम पास कर लाइम वाटर में लेंबू पा थी जो टेस्ट ट्यूब्रे पास कराइले तो से कैल्शियम कार्बोनेट तैयारी होती जहाँ जो कि जो लाइम वाटर रोचे लेंबू पा रोचा मिल्की हो क्षीर परीक्षा देखा हो। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितेबाला लाइम वाटर लेंबू पाटा मिल्की होता गोटे कार्बन डाइऑक्साइड स्टैंडर्ड टेस्ट रही है जोटा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेन्स को जाना अंगारकाम प्रेजेंट अच्छे कि ना से जाना व्यवहार कर। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू सो दैट द एयर वी ब्रेथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तुम्हें व्यवहार कर चैप्टर 10 रे देखापी कि जो एयर को आम ब्रिथ आउट कर जो इनहेल करना जो एयरटा जोटा कि एक्जेल कर। ओके जो अंगारकाम जो प्रोसेस रिलीज होती कौन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक परिमाण में रोचे बोली सीटा दर्शाईपी आम डाउट यूज करवा चैप्टर 10 रे टेस्ट को। नेक्स्ट कहे कि इन एक्टिविटी 6.6 टू 6.8 मैंने कहे कि एक्टिविटी 6.6 6.7 आउ 6.8 रे तुम्हें देख लो कि प्रत्येक जो चेंज देखुं से गोटे कि गोटे अधिक सब पदार्थ या देखुं। एक्टिविटी 6 रे देखिले कि जो पाउँस या जितेबाला आम मैग्नीशियम रिबन को जलाऊँच एयर रे तो देखुं कि पाउँस या ओके मैग्नीशियम जो रिबन को ये पटी को जलई थे तो ये पाउँस या गोटे नुआ सब्सटेंस थी। एक्टिविटी 6.7 रे देखिले कि जितेबाला कॉपर सल्फेट जो रही है कि तार जितेबाला रिएक्शन है आयरन जोटा कि आम सेविंग ब्लेड नहीं सहित जितेबाला रिएक्शन होती प्रोड्यूस कर आयरन सल्फेट या सहित कॉपर या। ओके जितेबाला कॉपर सल्फेटा रिएक्ट कर आयरन सहित गोटे सेविंग ब्लेड कि कंटा नहीं पिन नहीं पार तो से नहीं जो से रिएक्शन कर तो देखुं कि या आयरन सल्फेट ता सहित कॉपर या बोथ ऑफ दिस आर न्यू सब्सटेंस। ये दुटा आक रोचे नुआ पदार्थ कॉपर वाज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। जो कॉपरटा रिलीज होटा जो आयरन सेविंग ब्लेड थी डिपोजिट हो तार कलर चेंज हो देखते। ओके इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच टर्न लाइम वाटर मिल्की। एक्टिविटी 6.8 रे देखिले कि विनेगर रे जब आम बेकिंग सोडा मिसाउं तो देखुं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती अंगारकाम रिलीज होता सहित से जो लाइम वाटर नहीं लेंबू पा मिल्की करदे। ओके कौन मिल्क परीक्षा देखा कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फाउंड इन दिस रिएक्शन।
जो रिएक्शन रे जो नुआ सब्सटेंस तैयार है तार ना कहपर कि जमीक ये देखले कि ये नुआ सब्सटेंस कौन या कैल्शियम कार्बोनेट तैयार ओके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रे लाइम वाटर को आम मिशुच्चे नुआ सब्सटेंस तैयार हो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तैयार सेमती फास्ट जो बड़े कि 6.6 6.6 एक्टिविटी देखले कि मैग्नीशियम आस रिलीज होता 6.7 देखले कि कॉपर रिलीज हो प्लस ता सहित आयरन सल्फेट रिलीज हो जहाँ जो कि जो आम व्टरटा नहीं जोटा ब्लू कलर ग्रीन कलर करदे देखुं कि यहाँ कौन कॉपर सल्फेट नहीं ब्लू कलर था जितने आयरन ब्लेड पकाचन तो यह कलर चेंज हो आयरन ब्लेड कलर चेंज होता कॉपर डिपोजिट हो जाए एंड ये जो कलरटा ब्लू थी सैटा ग्रीन हो आयरन सल्फेट होके ओके नेक्स्ट हो चेंज इन व्हिच वन ऑफ मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फाउंड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज गोटे परिवर्तन जो थे कि गोटे रू अधिक सब पदार्थ तैयारी होती ओके सेटा को आम रासायनिक परिवर्तन कहते केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया जो रासायनिक परिवर्तन रोचे रासायनिक प्रतिक्रिया भी आम कहते रासायनिक परिवर्तन क्या कौन जो परिवर्तन कि गोटे कि गोटे रू अधिक पदार्थ सब या कौन गोटे केमिकल चेंज कहते केमिकल चेंज को भी आम कहते केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया केमिकल चेंजेस आर भेरी इंपोर्टेंट इन आवर लाइफ जमी ये एक्टिविटी देखिले जिते भी सब रिएक्शन देखिले सब थे गोटे कि गोटे रू अधिक पदार्थ या फास्ट आस या रिबन रू मैग्नीशियम रिबन रू से बर्न है ऑक्सीजन प्रेजेन्स तो ये आस या नेक्स्ट सेकेंड में देखिले कि कॉपर कॉपर सल्फेट जितेबाला चेंज होते रिएक्ट करुचे आयरन ब्लेड सहित तो सैटा आयरन सल्फेट हो प्लस कॉपर डिपोजिट हो आयरन ब्लेड पर देखुं गोटे रू अधिक सब सब्सटेंस तैयारी हो जानते कि यहाँ गोटे रासायनिक परिवर्तन गोटे कि गोटे रू अधिक पदार्थ या केमिकल चेंजेस सब जितक रही है सैटा आम लाइफ में बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस जितक भी नुआ पदार्थ आम देखुं से सब कौ कारण रोचे कि केमिकल चेंजेस जो रासायनिक परिवर्तन जो जितक भी नुआ पदार्थ रोचे से सब या उदाहरण स्वरूप जो खाद्य आम खाऊँ आम शरीर जो खाद्य हजम होटा गोटे रासायनिक परिवर्तन रोचे आम खाद्य को कौन च्यू करू करू कला जितेबाला फुडटा स्टोमाक को जाए जो डाइजेस्ट होटा रोचे गोटे केमिकल चेंज कि फुड्र जो आकार जो सेप्रे सेटा कौन अलग जहाँ भी सब एसीड रोचे आम स्टोमाक सहित मिसिकी कौन डाइजेस्ट होम ब्लड में मिसुच्छे फुडटा पूरा खाद्य जो डाइजेस्ट हो तो सहीटा कौन डाइजेस्ट हो गोटा नुआ सब्सटेंस हो जहाँ जो कि ब्लड में मिसिकी आम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स फल जितेबाला पचुची फल पचवा देखुंत सेटा भी गोटे केमिकल चेंज रोचे र फुड जितेबाला रोचे कंचा रोचे कंचा पचिले हेले तार कलर चेंज हो तार गोटे स्मेल भी चेंजेस आस फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जितेक भी जो अंगूर रोचे से सब फर्मेंट होती कौन या अल्कोहल या सेटा भी गोटे केमिकल चेंज रोचे हापेन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस ये सब रासायनिक परिवर्तन होचे मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल चेंजेस जो आम मेडिसिन खाऊँ कौन सी भी डिजीज में से सब भी केतक केमिकल रिएक्शन द्वारा ही से मेडिसिनटा तैयारी ओके रासायनिक प्रतिक्रिया कराई विभिन्न डिजीज में अलग अलग मेडिसिन तैयारी यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शंस रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सब दरकारी नुआ पदार्थ जमीक प्लास्टिक डिटर्जेंट ए सब या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा इंडेड एव्री न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस कुछ जितेक भी नुआ जिनस सब आविष्कार हो सब कौन रासायनिक परिवर्तन विषय जो आम स्टडी करते सब कौन डिस्कवर होती वी हाव सीन दैट वन ऑफ मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल चेंज आम देखुं कि गोटे गोटे अधिक पदार्थ प्रड्यूस हो गोटे रासायनिक परिवर्तन गोटे गोटे अधिक पदार्थ प्रड्यूस हो गए रासायनिक परिवर्तन इन आडिशन टू न्यू प्रडक्ट द फलोइंग मे आकंपानी ए केमिकल चेंज नुआ प्रडक्ट जो तैयारी होने से गोटे रासायनिक परिवर्तन जहाँ भी नुआ पदार्थ या ता सहित एमती किसी भी कौन चेंजेस हो विषय आमको कहे ओके हिट लाइट और एनी अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और अब्जॉर्ब कुछ कि ताप आलोक किंबा अन्य कौन सी प्रकार रेडिएशन जो विकिरण हो सबू जमीक अल्ट्रावायलेट अतिवैगन रश्मि उदाहरण देचे ये सब हूँ तो गोटे रिएक्शन जो होते कौन से रिएक्शन से शोषण होता है किंबा से रिलीज होता है जमीक खाद्य जो आम या कंचा जितेक पनीपरिया होती कौन फुड जो प्रिपेयर करते तो आमको हिट दरकार तो हिट को यूज करके तो यहाँ गोटे चेंजेस रोचे कि र फुडटा आम कौन कुकड फुड्रे परिणत हो र फुड्रे आम कुक फुड करते हिट दरकार हो लाइट देखुं जितेबाला कि आम देखुं कि जमीक दिवाली में आम जो कौन जो बाण फुटाऊँ तो से जो कौन हिट रिलीज हो लाइट होउंड भी होके ये सब रही कि से प्रक्रिय देखुं किसी रिलीज होगी किंवा आम खाद्य या देखुं कि हिटा आबजर्व हो
खाद्य ना तापक से शोषण करद्वारा कि खाद्य प्रस्तुत होके okay, देखुं ये कहे कि मे बी गिभेन अफ आबजर्ड मैंने से सब रिलीज होता है कि आबजर्व होता है शोषित होता है साउंड मे बी प्रड्यूस जमीक कहली कि जो साउंड प्रड्यूस होता है जितेबाला कि गोटे केमिकल चेंज देखुं कि जो बाण रोज है फुटाऊँ तो ताजू साउंड रिलीज हो ए चेंज इन स्मेल मे टेक् प्लेस और न्यू स्मेल मे बी गिभेन अफ से प्रोसेस रे नुआ स्मेल प्रड्यूस होती कि स्मेल चेंजेस आस खाद्य भी या तर देखुं कि स्मेल चेंजेस आस कलर चेंज मे टेक् प्लेस कलर भी परिवर्तन आसमी खाद्य या तार कलर चेंज आसार स्मेल चेंज आसवा खाद्य जो अधिक सढ़ी जाए तो तार स्मेल चेंज आसार कलर भी चेंज आस देखुं गैस मे भी फॉर्म गोटे गैस यापे लेट अस लुक एट सम एग्जांपल किसी उदाहरण देखा ये जो कहे अलग अलग चेंज होता गोटे उदाहरण कहे यू सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज तुम देखिले कि जो मैग्नीशियम रिबन को आम जलैले गोटे रासायनिक परिवर्तन रोचे सेमती जितेबाला कोईला जलुच काठ पत्र यू जो जलुच्छे से सबू रासायनिक परिवर्तन रोचे एमती कि कौन से भी पदार्थ जहाँ को भी आम जलाऊँ गोटे रासायनिक पदार्थ ओके जहाँ भी सब्सटेंस को जलुच्छे जमी पेपर टे जलुच तो सहीटा भी गोटे रासायनिक परिवर्तन रोचे बर्निंग इज अलवेज अकंपानीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट जितेबाला भी कौन जिन बर्न हो तो से हीट प्रड्यूस होपर प्रड्यूस हो देखुंत आम कौन भी जिनस जो पाखक जो आम हाथ नौ तो आमको कौन गरम लगे तो जानूं कि हीट प्रड्यूस होपर प्रड्यूस होके एक्सप्लोजन ऑफ ए फायर वर्क इज ए केमिकल चेंज जो फायर वर्क एक्सप्लोजन होगा बाण जो फुटुचे से गोटे रासायनिक परिवर्तन रही है यू नो दैट सच एंड एक्सप्लोजन प्रड्यूसेस हीट लाइट साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेस दैट पल्यूट द आटमोसफियर तुम्हें जान कि से जो एक्सप्लोजन जो ओके से बाण जो फुटुचे ताप प्रड्यूस हो आलोक भी साउंड भी प्रड्यूस हो सहित किसी अनप्लेजेंट गैस भी जो गुटा कि जो गैस जो आम वायुमंडल प्रदूषित होती ओके एमती किसी गैस भी रिलीज होती दैट इज वाई यू आर आडभाइज नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क से तुमको आडभाइज कराया कि तुम्हें फायर वर्क बेस न खेलवाई ओके व्वेन फुड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रड्यूसेस ए फाउल स्मेल तो खाद्य नष्ट देखुं गोटे खराब स्मेल आल वी कल दिस चेंज ए केमिकल चेंज यहाँ गोटे कौन रासायनिक परिवर्तन कह हाँ यहाँ गोटे रासायनिक परिवर्तन कह देखुं कि तार स्मेल चेंजेस आस तार टेस्ट भी चेंजेस आके तार कलर भी चेंजेस आसो ये गोटे रासायनिक परिवर्तन कह यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एन आपल एक्वायर्स ए ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली तुम देखते कि गोटे स्लाइस आपल जो आम कट करके रखी दे किसी टाइम तार ब्राउन कलर हो किसी टाइम जब आम न खाई रखी दे तो तार कलर चेंज हो ब्राउन कलर हो इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज कहे कि तुम जब ये परिवर्तन देखि एमती कलर तेल तुम गोटे फ्रेशली गोटे आपल कट करके किसी टाइम रखीद ये प्रोसेसटा को सामान प्रोसेस को तुम गोटे पोटाटो गोटे आलू और बैगन सहित ये सेम प्रोसेस कर तार गोटे गोटे स्लाइस कट करके किसी टाइम रखीद जो से कलर चेंज हो दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस जो कलर चेंजेस परिवर्तन आई कारण कि नुआ परिवर्तन जो होती कारण से जो कलरटा था सब कलर चेंजेस आर नॉट दि चेंजेस केमिकल चेंजेस ये सब परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नुहे कि हाँ ये सब रासायनिक परिवर्तन रोचे चैप्टर फाइव यू न्यूट्रलाइज एंड एसिड विथ ए बेस चैप्टर फाइव जो एसिड बेस चैप्टर आम देखते कि आम एसीड सहित अम्ल सहित बेस को क्षार को कौन न्यूट्रलाइज करते ओके जहाँ जो कि एसीड्र जो अम्लीय गुण रोला बेस जोटा कि तार क्षार गुण रोला न्यूट्रलाइज होगा मिसला एसीड के आउ बेस रो ना ओके सीटा गोटे रोला कौन केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन कि तार जहाँ भी कौन टेस्ट कहीपर एसीड्र टेस्ट कि बेस्र टेस्ट रोला से सब कौन मिक्स होगापर टेस्टा कौन चेंज हो गए नुआ सब्सटेंस होता कौन आमको एसीड लगुन कि बेस लगुन ओके नुआ सब्सटेंस या तो सेटा भी गोटे रासायनिक परिवर्तन कहींपर ए प्रोटेक्टिव सेल्ड गोटे सुरक्षा कवच कौन रही है से विषय पढ़ा यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर आम वायुमंडल में तुम्हें ओजोन लेयर विषय में शुनि ओजोन लेयर कौ स्तर में प्रेजेंट रोचे से कमेंट करके कह ओके इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच कम्स फ्रॉम द सन जो रही कि आम एटमॉस्फेयर जो ओजोन लेयर रही है कौन आमको सुरक्षा देती जो क्षतिकारक अतिवायुगणी रश्मि रही तार विकिरण आमको सूर्य रक्षा करके okay. सूर्य अतिवायुगणी रश्मि आस सूर्य किरण सहित किसी अतिवायुगणी रश्मि रश्मि भी आसी से अतिवायुगणी रश्मि आम मानक रक्षा करें कौन से जो ओजोन लेयर रही है आम एटमॉस्फेयर में ओजोन अब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन ओजोन से रेडिएशन को से विकिरण को अब्जॉर्ब करता है शोषण करता है ब्रेक करके पुणी भांगी था भांगी ऑक्सीजन में परिणत करता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन जो ऑक्सीजन टा ओजोन टू अलग ऑक्सीजन ले कौन ऑक्सीजन ले तार दुईटा आटम को लेकिन या ऑक्सीजन किंतु ओजोन ले सेटा तीनटा आटम को लेकिन ओर तीनटा आटम को लेकिन हूँ ओजोन ओके ऑक्सीजन ओर दुईटा आटम रोचे कि ओजोन ले तीनटा आटम रोचे सेटा तुम्हें आगे पढ़ो कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज कहीपर कि ओजोन जितेबाला ब्रेकडाउन करें जानते कि ओजोन लेयर भी एवं धीरे धीरे कौन क्षय है
ସବୁ ଯେତକ ବି ରହିଛି କ'ଣ ଆମର CFC ରହିଛି, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ, ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯାହା ପାଇଁକି ଆମର ଓଜନ ଲେୟାର ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଓକେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍, ଏପାଇଁ ସେ ଲେୟାର ବି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। କେନ୍ ୱି କଲ୍ ଦ ବ୍ରେକିଂ ଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ଓଜନ୍ ଏ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ। ଓଜନର ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍କୁ, ଓଜନ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହଁ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଓଜନଟା ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇକି କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବି କହିପାରିବା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଫ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ ୱେର୍ ନଟ୍ ଆବଜର୍ଭ ବାଇ ଓଜନ୍, ଇଟ୍ ଉଡ୍ ରିଚ୍ ଦ ଅର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ହର୍ମ ଟୁ ଅସ୍। ହେଉଛି ଯଦି ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଓଜନ୍ ଲେୟାର ସେଇଟାକୁ ଶୋଷଣ ନ କରିବ, ତ ଏଇଟା ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍କୁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେକ ବି ଲାଇଫ୍ ଫର୍ମ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟିବ। ଓଜନ୍ ଆକ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ନେଚୁରାଲ୍ ସେଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦିସ୍ ରେଡିଏସନ୍। ଯେଉଁ ଓଜନ୍ ରହିଛି, ଓଜନ୍ର ଲେୟାର ରହିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହିସାବରେ ଏ ଯେଉଁ ରେଡିଏସନ୍ ଆସୁଛି, ବିକିରଣ ଆସୁଛି, ଓକେ, ଏଇ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ରେଡିଏସନ୍ରୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍ କହିଛି କି ୱି ଲର୍ନ ଇନ୍ ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ ଦାଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦେୟାର ଫୁଡ୍ ବାଇ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। କେନ୍ ୱି କଲ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ? ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି କି ଆମେ ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା କି? ହଁ, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା, ତ ସେଥିରେ କିଛି ସେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି କି? ୱାଟର, ମିନେରାଲ୍ସ, ସନ୍ଲାଇଟ୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ୟୁଜ୍ କରିକି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି ଏସବୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ରୁ, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପହିଲି ସାଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭେନ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ନିଜେ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ। ପହିଲି କହିଲେ କି ଯେଉଁ ଡାଇଜେସନ୍ ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓକେ, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ବଡ଼ିରେ ସେଇଟା କ'ଣ ମିଶୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି, ତ ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହୁଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ରଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍। ରଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ୟାର ଅଦର ପାର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ 7 ସାଇନ୍ସର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଉଥିବ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଦେଖାଉଥିବା ଆଇ ବଟନ୍, ସେଠି ବି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ 7 ସାଇନ୍ସର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ 7 ସାଇନ୍ସର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 7ର ଅଲଗା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଛି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପ ହେଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିନେବେ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ସିନିୟର ଯାହା ବି ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଲିସନିଂ।